गुड मॉर्निंग, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ सामने, आर्म रोटेशन शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथ सामने शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स हाथ नीचे। अब दोनों हाथ सामने, साइड स्ट्रेच और पंचों के बल खड़े होना है। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। वापस आएंगे। हाँ, अब दोनों हाथ वॉल पे रखेंगे। वॉल एक्सरसाइज है आज। दोनों हाथ दीवार पे रखेंगे। दोनों हाथ दीवार पे और नी अप एंड डाउन करना है। स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, करते जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करेंगे। इसी का सेकेंड वर्जन करेंगे। दोनों हाथ फिर से दीवार पे। अब की बार पहले हमने सीधा घुटना उठाया था, अब की बार हम घुटने को ये 1, 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करें हाथ नीचे। इसी का थर्ड वर्जन। अगेन दोनों हाथ साफ दीवार पर, वॉल पे रखते हैं और एक घुटने को ये, ठीक है, और फिर ये स्टार्ट करेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स करें। रिलैक्स करेंगे। एक हाथ वॉल पे रखेंगे। हाँ, एक हाथ वॉल पे रखें। अब ये वाला हाथ आपका फ्री है, इसको क्या करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दोनों एक ही डायरेक्शन में। 10,
नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। नीचे रखेंगे हाथ, हाँ अब की बार हाथ को ऊपर ले जाएं, हाथ यहाँ रखेंगे ऊपर ले जाएं, हाँ अब ऊपर से नीचे आएगा, पैर ऊपर जाएगा हाथ ऊपर से नीचे आएगा, ये ठीक है। स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। रिलैक्स करें, रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करें। हाँ अब साइड चेंज कर लें, साइड चेंज कर लेंगे, हाथ को नीचे रखना है, हाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में उठेंगे। स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। रिलैक्स करें, रिलैक्स करेंगे, हाँ आप इसी को हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर से नीचे और पैर नीचे से ऊपर आएगा। स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, दोनों हाथ फिर से वॉल पे रखेंगे, दोनों हाथ फिर से वॉल पे रखें, हाँ हाथ को थोड़ा ऊपर करेंगे, हाँ सिर के थोड़ा सा ऊपर। और अब क्या करना है, हाँ अगर लेफ्ट हैंड पीछे ले जा रहे हैं तो राइट पैर पीछे, कैसे, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। वापस आए, हाथ वही रखना है, अब की बस हाथ चेंज हो जाएगा पैर चेंज हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। रिलैक्स करें, हाँ रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ रखें फिर से वॉल पर, पैर को गोला कर घुमाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू। रिलैक्स, वापस आए, दूसरे अगेन, हाँ स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। वापस आएंगे, रिलैक्स करें,
हाथ नीचे रिलैक्स करेंगे, हाथ को यहाँ रखना है, डिस्टेंस इतना, और क्या करना है ये टच करना है, थोड़ा मैं पीछे हो जाती हूँ फिर दिखेगा, हाथ यहाँ रखेंगे, फिर क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, चेंज करेंगे साइड, हाथ रखें यहाँ पर, स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स करें, वापस आएंगे, वापस आए, रिलैक्स करेंगे, अब दोनों हाथ वॉल पे रखें फिर से, हाँ, और थोड़ा सा पीछे आएंगे, आसन का ध्यान रखेंगे कि फिसल ना जाए, ठीक है, हाँ, अब अपने हिप्स पार्ट को पीछे की ओर करें, ये पूरा स्ट्रेचिंग देंगे, आपके हाथ ऊपर, हाँ, होल्ड करें, होल्ड करें, हाँ, हाथ खींचे हुए, गर्दन को हाथ से नीचे निकालेंगे, हिप्स पार्ट पूरा, घुटने सीधे, होल्ड रखेंगे, हाँ, अब इस पोजीशन में आएंगे, हाथ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लें, गर्दन, ये भुजंगासन के सारे फायदे मिलेंगे, हाँ, फिर से जाएं, फिर से हिप्स पार्ट पीछे, होल्ड करें, होल्ड करेंगे, हाँ, होल्ड करें, हाँ, फिर से भुजंगासन में आएंगे, वापस वापस आएंगे, हाँ, एक पैर को यहाँ पे रखें, बैलेंस बनाएंगे, बैलेंस बनाए, सिर्फ घुटना सीधा करना है इसलिए, हाँ, धीरे से, हाँ, बस इतना रखना है ताकि आपका पेल्विक जॉइंट रिलैक्स, वापस आए, दूसरा पैर रखें, हाँ, थोड़ा नीचे की ओर, यहाँ पे पूरा स्ट्रेच आएगा, होल्ड करेंगे, नीचे वाले घुटने को थोड़ा मोड़ेंगे ना तो और अच्छा स्ट्रेच आ जाता है, यहाँ होल्ड रखें, होल्ड करें, वापस वापस आए, हाँ, अब क्या करना है, दोनों हाथ रखेंगे, पैर, एक पैर को पीछे करें, एक पैर को पीछे करेंगे, और क्या करना है, 1, फिर पैर पीछे जाएगा, ठीक है, स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वापस आए, दूसरा पैर पीछे करें, पोजीशन लेंगे, हाँ, पोजीशन लें, दोनों हाथ यहाँ पे, स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू रिलैक्स वापस आए। अब एक हाथ ऊपर रखें, ठीक है, एक पैर को पीछे, हाँ एक हाथ ये स्ट्रेच कर, हमें स्ट्रेचिंग देनी है, होल्ड करें होल्ड करें होल्ड करें, यहां पे पूरा आपका असर आएगा। वापस आए, अब दूसरा हाथ ऊपर लाए, खींचेंगे इस पैर को, ये करें ये हाथ पीछे, होल्ड करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वापस आए, रिलैक्स करेंगे, कंधों को रिलैक्स कर लें, कंधों को रिलैक्स कर लें, दोनों हाथ रखेंगे स्क्वाड पोजीशन में, आएंगे पैरों में थोड़ा फासला करेंगे, हाँ और क्या करना है, ये वन ऊपर आएंगे, ठीक है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स, रिलैक्स रिलैक्स होंगे, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, हाँ अब दीवार के साथ खड़े होंगे, हाँ हाथ ऊपर की ओर खींचे, हाँ एड़ियों को स्कर्टिंग पे लगाएंगे, ताड़ासन, खींचे हाथ, खींचे और खींचे, मैक्सिमम खींच के रखेंगे हाथ को, होल्ड करेंगे, होल्ड करें, आज सारी वॉल एक्सरसाइज होंगी, हाँ एड़ी नीचे करेंगे, हाथ ऊपर खींचे हुए, खींच के रखने हाथ, श्वास गहरा व लंबा भरें, श्वास निकालते हुए साइड स्ट्रेच, होल्ड करें, होल्ड करेंगे, ये दीवार के साथ लगे रहेंगे, फिर सेंटर, दूसरी साइड जाएं, होल्ड करें, होल्ड करें, वापस वापस आए, वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, कंधों को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें, बैठ जाएं, बैठ जाएंगे, बटरफ्लाई पहले करेंगे, बैठ जाएं पहले, बैठ जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, करेंगे बटरफ्लाई, शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, वापस आए, पैर सीधा करेंगे, पैर सीधा करें, अब दोनों पैरों को दीवार की साइड लगाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है, आगे आए और आगे आए और आगे, हाथ यहाँ रखेंगे, पैरों को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे, हाथ यहाँ रखें, हाथ यहाँ रखें, ठीक है, होल्ड करेंगे, होल्ड करें, ये
बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है थाइस मसल्स पर। होल्ड रखेंगे, हाथ एक बार पीछे लाएं, रिलैक्स करेंगे इसी पोजीशन में। हाँ, फिर से दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स करें, आराम से पैरों को पहले मोड़ेंगे। हाँ, अब आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आ जाए, बैठे वज्रासन में। वज्रासन में बैठेंगे, हाँ, करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के नीचे केंद्रित करें, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए अपने आप को आगे की ओर लाएं। होल्ड करेंगे, होल्ड करें। सेंटर, सेंटर में आए। हाँ, अब अपने आप को दीवार के साथ थोड़ा सा पीछे रखना है। जैसे आप उठेंगे तो आपका इतना ये पैर आपका दीवार पे लगे जब आप खोलेंगे, ठीक है, इतना आपको पीछे रखना है। और उस आसन में गद्दी जरूर होनी चाहिए घुटने के नीचे, ठीक है। एक पैर को खोलें, दीवार के साथ लगाएं, एक पैर इस तरह से होल्ड करेंगे। हाँ, अब एक हाथ को नीचे, एक जो पैर मेरा मुड़ा हुआ है वो हाथ नीचे रखें, दूसरा हाथ ऊपर। एक मिनट दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ये आपने ऐसे किया, एक हाथ ऊपर, ठीक है। अब इस हाथ को पूरी अलाइनमेंट देनी है, होल्ड करना है, खींचे और खींचे और खींचे, जितना खींच के रखेंगे उतना बढ़िया। खींचे, एक पैर आपका पूरा दीवार पे लगा हुआ है, ठीक है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको। खींचे और खींचे, धीरे धीरे वापस आए, वापस आएंगे। पैर को ये करें, अब चेंज कर ले अपने आप को। हाँ, अब रखें दूसरा पैर, रखेंगे तो ऐसे रखें जैसे आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है। हाँ, अब जो हाथ पैर मोड़ा हुआ है वो ये होल्ड करेंगे, होल्ड करें, हाथ खींच के रखना है, खींच के रखें। वापस आए, आराम से आना है, ठीक है। रिलैक्स करें, बैठ जाए एक बार, नीचे बैठेंगे, नीचे बैठे। अब आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज और बहुत बढ़िया है। फिर से खड़े होंगे, पैर फिर से रखेंगे, हाँ, और धीरे धीरे बैठ जाए, ये बैठ जाए, पैर आपका ये खुद खींचा हुआ है। इससे क्या हो रहा है, आपकी यहाँ की काफ, ये वाली थाइस मसल्स, ये पैर मुड़ा हुआ है, यहाँ के आपके काफ मसल्स बहुत अच्छी तरह प्रेस होती हैं। होल्ड करेंगे, होल्ड करें, दोनों हाथ आगे लाएं, धीरे से सेंटर में। यही प्रोसेस दूसरी साइड करेंगे, दूसरी साइड करें, मुड़ जाए, मुड़े, पैर को खोलें साइड में, साइड में खोले। अब इसी पोजीशन में बैठ जाएंगे, बैठ जाए, ठीक है। इसमें इतनी वेरिएशन हो सकती है, आप चाहे ये कर सकते हैं। अब आगे जाएं, जाए आगे, धीरे धीरे सेंटर में वापस आए, वापस आए, वापस आए। अब करेंगे एक आसन को दीवार के साथ इस तरह से रख लें, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, लेटना है दीवार के साइड, जो हम भुजंग आसन लगाते हैं, ठीक है, हाथ आपको ऊपर रखने हैं, ये हाथ आपको ऊपर रखने हैं और ये होल्ड करना है, होल्ड करें, होल्ड करें, पीछे से एड़ी पंजे मिला के रखेंगे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, होल्ड करें, होल्ड करें, धीरे से वापस आएंगे, वापस आए, सेंटर में बैठे हैं अभी, आप पैर को दीवार के साइड रखना है, ठीक है, और इस प्रकार रखना है, थोड़ा सा पास आके, आपके घुटने इस तरह से, आपके घुटने लगे स्कर्टिंग पे, थोड़ा सा पीछे, ये घुटने लगाने आपको, पैर आपके ये, ठीक है, पैर रखने इस टाइप से, दोनों हाथों की पोजीशन बनानी है इस टाइप से और खड़े होना है, ये होल्ड करें, धनुरासन के सारे फायदे मिलेंगे आप, होल्ड करें, वापस आए, वापस आए, हाँ अब एक पैर को ऊपर कर लेंगे, एक पैर ऊपर कर लें, दोनों हाथ ही, एक पैर मुड़ा हुआ है, एक पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर, अभी भी घुटना मेरा पीछे आ गया है, थोड़ा सा घुटने को पीछे करें, हाँ दोनों घुटने स्कर्टिंग पे लगे हो, अब पैर को उठाएं, ये उठाएं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वापस आए, अब दूसरा पैर ऊपर उठाएं, उठाएं, होल्ड करें, हाथ आपके आगे की ओर, वापस, वापस आए, वापस आएंगे, अब आपको आसन को दीवार के साथ ही रखना है, अब हम लेटने वाले आसन करेंगे, ठीक है, वॉल वाले, यहाँ पे इस तरह से आपको दीवार के साथ अपने दोनों पैर रखने, रख लिए, ठीक है, अब क्या करना है, दोनों हिप्स को सटाते हुए दोनों पैर ऊपर लाएंगे, लाए ऊपर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में होता है, हाँ हिप्स पार्ट को पूरा लगाएं, लगाएं, ये पोजीशन आपकी बन जाए, ठीक है, बन जाएगी, क्या करना है, 1 2, हल्का सा प्रेस आता है लेकिन यहाँ पूरी मसल्स में स्ट्रेचिंग महसूस होगी, हाँ जिसकी हैमस्ट्रिंग में दर्द है उनके लिए भी अति उत्तम, स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हाँ एक पैर को नीचे यहाँ रखें इस तरह से, इसी में ये वाला दिखा देती हूँ, पहले यहाँ पे रखेंगे घुटने के ऊपर, एक हाथ यहाँ रखना है, अब इसको दबाना है, ठीक है, एक मिनट, हिप्स आपके लगे हुए, ठीक है, हाँ अब आपको ये पैर रखना है घुटने के ऊपर, यहां से पकड़ना है, एक हाथ से यहां से, एक हाथ से यहां से, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ प्रेस करें, करें प्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेच को, हाँ रिलैक्स, वापस आए, अब दूसरा पैर रखें, करें, 1 2
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। दोनों पैर सीधे ऊपर की ओर। अब दोनों पंजों को मिलाएं, तलवों को मिलाएं, सॉरी। दाया हाथ दाएं घुटने पर, बायां हाथ बाएं घुटने पर और दीवार की साइड प्रेस करेंगे। करें प्रेस, करें, होल्ड करेंगे ऊपर की ओर। आंखें बंद, आंखें बंद करते ही आपको एक रिलैक्स महसूस होगा। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है कि अंदर की नस नाड़ियों को रक्त से पोषित करना। जितना आप स्ट्रेचिंग करोगे उतनी ज्यादा आपकी नसें खुलेंगी और रक्त को जाने का पाथ क्लियर होगा, क्योंकि अंदर जो भी गंद जमा होगा वो मेल्ट होता है। पैर सीधा करें, पैर सीधा करें, दोनों पैर मोड़ें इस स्टेप से। कुछ नहीं करना, अपने आप काम होगा। हिप्स आपके लगे हुए हैं, स्कर्टिंग पे नहीं लगे, थोड़ा सा कर लें, ठीक है। अब पंजे, ये एड़ी को उठाना है बस, कुछ नहीं करना। हाथ नीचे, जैसे के नीचे रख लें, रिलैक्स होके। हाँ, होल्ड करेंगे, होल्ड करें, होल्ड करेंगे, वापस पैर सीधा करें, पैर सीधा करें। अब लेफ्ट पैर को नीचे लेके जाएंगे, पहले मैक्सिमम जितना ले जाते जाएंगे। अब जो ऊपर वाला पैर है ना, अभी स्ट्रेचिंग नहीं आएगी ज्यादा। जैसे ही आप इस ऊपर वाले पैर को दूसरी साइड थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, अपने आप स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। करें, होल्ड करेंगे, होल्ड करें, वापस आए सेंटर में। अब दूसरा पैर ले जाए, पहले नीचे तक ले जाए, जहां तक ले जा सकते हैं ले जाएंगे। अब ऊपर वाले पैर को स्ट्रेच करें, करें, करें और करें। इतना स्ट्रेच करें कि आपको जब तक ये ना हो जाए ना कि अब मेरे से नहीं सहा जा रहा, तब तक स्ट्रेच करना है पैर को। हाँ, अब धीरे धीरे वापस आए, दोनों पैर सीधे ऊपर की ओर। अब राइट पैर को राइट साइड, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज वॉल की, इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है पेल्विक जॉइंट खोलने के लिए। करें और करें। हाँ, अब देखें महसूस होएगा। और जो बिल्कुल नीचे लगा पाते हैं उनके पेल्विक जॉइंट पूरे खुले होते हैं। अभी भी इतना गैप है, ये देखो। घुटनों को दबाएं अंदर की ओर, हाँ, धीरे धीरे सेंटर में आएंगे। हाँ, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ नीचे। इसी पोजीशन में हम रिलैक्स करेंगे, विपरीत करते, विपरीत ओर से रक्त का प्रवाह होना। सारा दिन हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सिर से पैरों की ओर होता है, इस टाइम हमारा पैरों से सिर की ओर हो रहा है। इस आसन के अनगिनत फायदे हैं। पूरे शरीर के रक्त को बैलेंस करता है। सिर दर्द हो, ब्लड प्रेशर हाई हो तो इसमें जरूर बैठें। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम जिसको होती है, उसके लिए रामबाण आसन है। शरीर ढीला, ध्यान श्वासों पर, आते जाते श्वासों को निहारें। श्वास ले तो पैरों से होता हुआ सिर की ओर, छोड़े तो सिर से पैरों की ओर।
प्रत्येक श्वास में ईश्वर का ध्यान, ईश्वर बाहर नहीं श्वासों के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है, श्वासों का ध्यान यानी ईश्वर का ध्यान। अब धीरे धीरे शरीर में चेतनता लाएंगे, आराम से पैरों को साइड में करते हुए बिल्कुल आराम से उठेंगे, उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद, दोनों हथेलियां पलटकर घुटने पर रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, गर्दन को राइट साइड ले जाएं, सेंटर, लेफ्ट साइड ले जाएं, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, दायां कान दाएं कंधे पे रखें, सेंटर, बायां कान बाएं कंधे पे रखें, सेंटर, अगेन दायां कान दाएं कंधे पर, सेंटर, बायां कान बाएं कंधे पर, सेंटर। गर्दन को ऊपर ले जाएं, नीचे वाले होंठ को ऊपर की ओर लगाना है। सेंटर, गर्दन को गोलाकार स्थिति में घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, रिलैक्स, आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लिया, एक गहरा लंबा सांस भरें, पूरा सांस खाली करें, फिर से सांस को भरें, खाली करें, रिलैक्स, अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, अपने मुख मंडल पर और पूरे शरीर को ऊर्जा देते हुए क्लास को विराम देते हैं, ठीक है, कल मिलेंगे।